एक 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 होता है हाउ यू डिफाइन वायलेंस जी जो सही काम के लिए अगर कुछ होता है जवान अगर किसी को मारता है बॉर्डर पे तो वायलेंस नहीं है वो हमारे देश के लिए करता है जी। तो वायलेंस डेफिनेशन उसकी जो है वो बदलती रहती है खाम खाँ मैं किसी की गर्दन काटते रहूंगा महिंदर वो चिटे उड़ रहे हैं दीवार पे तो मैं उस तरह का वायलेंस मुझे नहीं अच्छा लगता ये मेरी अपनी पर्सनल राय है मेरी फिल्में जब कोई भी लो प्रहार से लेके उसमें वायलेंस कम था बहुत था लेकिन वो बेवजह नहीं है जो बेवजह लगता है तो वो अब हालांकि इस फिल्म में वॉयलेंस उस तरह का तो है नहीं तो लेकिन वो ना होते भी वो उसके बावजूद अनिल ने जिस तरह से वो डायरेक्ट है फिल्म वो 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 मिट्टी के जो होते हैं ना डायरेक्टर, न ने तो यहाँ से उड़ा यहाँ मारा वहाँ ज़मीन टूटी वहाँ बिल्डिंग गिर गई वैसे तो होता नहीं है ना तो हम उससे मेल खाते हैं हमारा दिमाग तो उस तरह की ये फिल्म है नहीं स्वाभाविक तरीके से की हुई है और मुझे लगता है वो बहुत ही पसंद आएगी लोगों को जब मेरी डेब्यू हुई थी तो दिस वॉज द स्टेज जिसमें मैं फर्स्ट टाइम आई 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 थी एंड रियली इमोशनल शिवरिंग और मैंने सर को भी बोला था सर मेरे हाथ काँप रहे हैं एंड जब ये सब हुआ यहाँ से मैं बाहर निकली एंड जब हम घर जा रहे थे तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हीरोइन बन गई है क्या अब क्योंकि इतने सारे लोग थे और मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो आई थिंक दैट वॉज द मोमेंट Uh, जब हम मैं मॉम डैड हम तीनों बहुत इमोशनल थे हम लिफ्ट में ऐसे एक दूसरे को ऐसा लाइक यू नो एक आई uh, कॉन्टैक्ट हुआ कि लाइफ में तरक्की हुई है सो आई थिंक दैट वॉज द मोमेंट पूरी फिल्म चैलेंज थी जैसे सर भी कह रहे हैं बट इस फिल्म में आ, हमने कई इंटरव्यूज में भी कहा है और एम्फेसाइज किया कि कुदरत ने कुदरत एक इनविजिबल कैरेक्टर है हमारी फिल्म में जिसने इतना हमें कंट्रीब्यूट किया है जब हमें बर्फ चाहिए थे आपने सीन्स देखे ही ट्रेलर में हाँ जी कोई वीएफएक्स नहीं है उनमें वो रियल है और जो घाट पे भी हम शूटिंग कर पाए इतना क्राउडेड रहता है रियल क्राउड में हमने गुरिल्ला शूटिंग स्टाइल किया है कहीं कहीं तो जो मेरा और सर का एक सीन है वो हज़ारों की एक्चुअल बनारस के टूरिस्ट के बीच में शूट किया हमें पता नहीं था कैमरा कहाँ है क्या है हमें कैसे स्टेजिंग करना है बट वो आई थिंक सर का एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया तो वो सब चैलेंजेस बहुत चैलेंजेस चैलेंजेस लगे नहीं